वालेकुम, हम इस वक्त मौजूद हैं क्रूज़र पर, इस्तांबुल में मौजूद हैं। और यहाँ पर एक शाम के टाइम और दोपहर के टाइम अगर आप इस्तांबुल में आएँ तो क्रूज़र का एक ट्रिप है 3 घंटे पर मुहित होता है ये। और ये आपको यहाँ से पूरा बॉस्फोरस जो है एक तरफ एशियन साइड और दूसरी तरफ यूरोपियन साइड ये आपको दिखाते हैं। और साथ में डिनर होता है, साथ में मशरूबात उसी टिकट में शामिल होते हैं और साथ में म्यूज़िक प्रोग्राम भी होता है। यहाँ पर दो तरह के आपको क्रूज़र मिलेंगे, अरेबिक मिलेंगे या टर्किश मिलेंगे, दोनों ठीक हैं। और ये टिकट समटाइम कहते हैं कि आपको ये यूरो में या डॉलर में चार्ज करें तो तकरीबन एक आदमी का 150 लीरा होता है। और ये 50-35-40 यूरो की आपसे बात करते हैं, बार्गेन करें। और ये ट्रिप जो अगर आप इस्तांबुल आए हैं और आपने ये ट्रिप मिस किया है तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। हम लोग क्रूज़र पर पहुंच चुके हैं और ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे बॉस्फोरस में क्रूज़र जा रहे हैं और हम भी जाने वाले हैं, लिहाजा हम आपको पूरा ट्रिप दिखाएंगे और 3 घंटे का ट्रिप आपको कवर करके आपको पूरा ट्रिप अपने साथ रखेंगे। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बॉस्फोरस का वो ब्रिज है जो एशियन साइड को यूरोपियन साइड के साथ मिलाता है। और यहाँ से ट्रैफिक, मेन ट्रैफिक गुजरती है। 2 टनल्स हैं और 3 ब्रिज हैं बॉस्फोरस पर जो दोनों साइडों को आपस में ट्रैफिक के लिए मिलाते हैं। और ये उसके बिल्कुल पास हम मौजूद हैं। ये आपके सामने एशियन साइड नज़र आ रही है, ये सारी एशियन साइड है। और ये वाली जो मेरे लेफ्ट पर है ये हम इस वक्त यूरोपियन साइड पर मौजूद हैं। बाहर आप यहाँ से अंदर से देख रहे हैं ये डाइनिंग हॉल से कि बाहर समंदर भी आपको नज़र आ रहा है, साथ शिप्स भी नज़र आ रहे हैं खड़े। क्रूज़र में लोग आ चुके हैं और बुफे जो है वो स्टार्ट होने लगा है। मैं आपको स्टार्ट होने से पहले बुफे का सारा दिखाता हूँ कि ये शिप में जो बुफे है उसमें ये सब, ये आप देख रहे हैं, कुछ अरेबिक फूड है, कुछ टर्किश फूड है, मिक्स फूड है और फ्रूट। और ये सारा ये सर्विंग लोग जो है इंतज़ामिया के वो खड़े हैं और ये पूरा एहतमाम किया उन्होंने डिनर का। और इस वक्त शिप तकरीबन भर चुका है। डिनर के बाद शिप जो है वो ब्लैक सी की तरफ गामजन हो चुका है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरी लेफ्ट साइड पर यूरोपियन साइड है सारी
ये यूरोपियन साइट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़ा खूबसूरत बॉस्फोरस में साथ साथ जो बिल्डिंग्स हैं ये मोस्टली 5-star होटल्स हैं। शिप के कप्तान हैं जो कि शिप को लेके जा रहे हैं ब्लैक सी की तरफ, और ये स्क्रीन लगी हुई बड़ी जो बैक साइड से शिप की बैक पर पूरा व्यू दे रही है, और ये पूरा ऑपरेट कर रहे हैं। और सामने अगर आप देख सकें तो ये कप्तान के केबिन से आपको सामने ब्रिज नज़र आ रहा है जो एशिया और यूरोप को आपस में मिलाता है। मेडन टावर है जो कि बिल्कुल बिल्कुल बॉस्फोरस के सेंटर में है। आप देख रहे हैं कि क्रूज़र्स और शिप्स वहाँ रुकते हैं और लोग वहाँ तस्वीरें बनाते हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये इन्होंने बिल्कुल बॉस्फोरस के दरमियान में ये इन्होंने एक टावर बनाया हुआ है, मेडन टावर इसका नाम है। बहुत बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये एक कैसल है और ब्रिंजे ऑल्डर इसका नेम है। ये बेसिकली सोल्जर्स के लिए, मतलब लाइक इनकी आर्मी के लिए, टर्किश आर्मी के लिए मुख्तस है, और ये आर्मी हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल होता है। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग के साथ इन्होंने इसे इसकी ताज़ीनों आराइश की हुई है, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और उसके साथ ही अगर आप देखें ये जो है ये शिप यार्ड है, यहाँ पर ये जो कार्गो शिप्स हैं वो नगर अंदाज हैं। और अब हम शिप यार्ड के पास से गुजर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शिप यार्ड जो है हमारे बिल्कुल सामने है और हम इसके पास से गुजर रहे हैं। ये हम सुल्तान अब्दुल हमीद पैलेस के पास से गुजर रहे हैं, और ये सुल्तान का महल है, बिल्कुल बॉस्फोरस के ऊपर है। ये बोट अगर आप देख रहे हैं ये उनकी जाती बोट है, ये जो महल के साथ खड़ी है, और बिल्कुल अंदर बॉस्फोरस के बिल्डिंग है। बहुत खूबसूरत जगह है, और यूरोपियन साइड है।